theokhladimes.com में आपका खैर मकदम है। आज सुबह जब मीडिया वाले शाहीन बाग बड़ी तादाद में आए तो लोगों को शक हुआ कि कोई मामला है। पता ये चला कि केरल ट्रेन फायर के आरोपी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी से पकड़े जाने के बाद मीडिया और पुलिस इलाके में पहुंची। पकड़े जाने वाले का नाम शाहरुख सैफी है और वो शाहीन बाग का रहने वाला है। 31 मार्च को ही आरोपी के पिता ने पुलिस थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। खबर है कि केरल पुलिस शाहरुख सैफी के घर का दौरा करने शाहीन बाग पहुंच गई है। लल्लन टॉप ने बताया, मीडिया वाले शाहरुख के अब्बा और दादी से बात किया और उनकी राय ली। आरोप है कि शाहरुख ने एक कोच में सहयात्री पर केमिकल फेंक कर आग लगाई और फरार हो गया। घटना में 3 लोगों की मौत हुई थी। मरने वाले का नाम एम रहमत 44, सहरा बथूल 2 साल और नौफीक 38 साल, बताया ऑन मनोरमा.com ने। जो चीज सामने है उस पे तो भरोसा करना पड़ेगा। पीछे क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, उसका क्या करना है। इस दौरान आपसे बातचीत करने की कोशिश की उसने? तीन मतलब 21 तारीख के बाद में कोई बातचीत कौन सोचा। 2 तारीख को किस वक्त आपने कंप्लेंट सुबह तो आपसे बातचीत होती रही? इस बीच फखरुद्दीन साहब से तो बातचीत नहीं की उसने? क्या आपको कॉल किया शाहरुख ने इस बीच? नहीं किया। तो जो आरोप लग रहे हैं इस वक्त शाहरुख पे, मैंने पूछा भी इनसे, भरोसा हो रहा है उसको या लग रहा है कि कुछ लोगों ने बहका दिया उसको? कैसे बहका दिया, किसी ने करवाया बहका? उसके उस पर हिम्मत ही नहीं। जब किसी बच्चे नहीं मारता था, किसी के पास नहीं बैठता था, किसी से कोई बात मतलब नहीं है, तो इस काम को कैसे करना? हमें कोई नहीं। कौन लोग बहका सकते हैं किसी पे शक? किसी को, चलो दुनिया है इसका नाम, बाहर लेकर किसी का क्या पता लगेगा। अब तुम आए वहाँ से इतनी दूर, अब रास्ता बीच में कोई बात हो जाए तो घर वाले ने क्या बताया, पता लगे? हमें कोई पता नहीं। उसके बाद हमें कोई पता ही नहीं है कि ऐसे कि हमारा शाहरुख इस काम को कर सकता है। हमारे शाहरुख को पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई थी शाहरुख की, और क्या इंटरनेट वगैरह पे किसी संगठन संस्थान से लगातार बातचीत करना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पढ़ाई लिखाई 12 इंटर कर रखी थी, बाकी जो ऐसा कुछ नहीं। क्या उम्र? अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका थाने में एक रिकॉर्ड होता है। आज तक भी उसकी मतलब पुलिस कंप्लेंट भी नहीं है कभी। यहाँ काम करते हैं, आप जांच करिए, जाकर पूछिए कैसा बच्चा है, कैसा उसका सबके बारे में, उसके बारे में खूब जांच करो। कोई नहीं कह सकता, पूरी गली बता दे कि बच्चा कैसा है, कोई नहीं कह सकता। मेरा बच्चा तो सेफ है। और रमज़ान के महीने में इस तरह की बात देखो, रमजान के महीने में जो तरावी चल रही है, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, कितना बुरा गंभीर बच्चा के साथ। अब आप लोगों की आगे की कार्रवाई क्या होगी? आप लोग बेल के लिए एप्लीकेशन देंगे, जो कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई है वो लड़ेंगे, या फिर इंतजार कर रहे हैं अभी पहले पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने का? पुलिस की पहले वो हो जाए, उसके बाद देखते हैं। मैं एक आखिरी बार यही सवाल पूछूंगा, कहीं लगा कि सबसे घुल मिल कर रहता था या फिर चुपचाप अपने कमरे में कहीं किसी संगठन से आना जाना, उस तरह से कुछ गतिविधि जो आपको संदिग्ध लगी हो, कभी आपने रोका टोका हो जिसके लिए? नहीं, कभी दिल्ली के बाहर ही नहीं गया वो, कुछ शादी वादी नहीं गया, कभी की शादी में कम करता, कभी ननचाल ना गया, मामा के यहाँ में जी। तो ये इसी घर में शाहरुख ग्राउंड फ्लोर पे ही रहता था? कौन सा कमरा है सर? पास वाला ही। तो उसका उसकी जांच केरला पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने आज की है, तमाम सामान दोनों दिन जी। सो दिस इज शाहरुख सैफी फादर मिस्टर फखरुद्दीन एंड हिज ग्रैंडमदर।
आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल इंटेलिजेंस और महाराष्ट्र एटीएस के संयुक्त टीम ने 4-5 अप्रैल को की दरमियानी रात रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से शाहरुख सैफी को पकड़ा। वो अपने सिर की चोटों के इलाज के लिए रत्नागिरी सिविल अस्पताल में था, ललन टॉप ने लिखा। लेकिन इलाज पूरा कराए बिना ही अस्पताल से भाग गया। बाद में वो रेलवे स्टेशन पर मिला। पुलिस के मुताबिक वो चोटें उसे ट्रेन से नीचे उतरते समय गिरने की वजह से लगी थी। घटना केरल के कोझिकोड में रविवार 2 अप्रैल को अलापुझा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन में हुई। इस पूरे मामले में प्रोब अभी जारी है।